हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज जो है इस कार्डिगन का गला बनाएंगे इस तरह से। ये जो बटन पट्टी के इस कार्डिगन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो है राउंड नीडल ली है। ये बाहर वाली नीडल है, सर्कुलर नीडल भी इसे बोलते हैं। तो इस नीडल को लेने के बाद हमने इसमें फंदे उठाने हैं। फंदे देखिए, जितने भी हमारे आसानी से फंदे उठेंगे वही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने कॉलर नेक बनाना है। कॉलर नेक बनाने के लिए हमने जब भी फंदे उठाने हैं तो अंदर से बाहर की तरफ हम उठाएंगे, क्योंकि कॉलर जो है बाहर की तरफ फोल्ड होगा तो यहाँ पे जो लाइन सी बनेगी वो बाहर की तरफ उससे ढक जाएगी, तो अंदर की तरफ में जो भी दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले जो है हम इस तरह से, सबसे पहले हमने इस वूल को ज्वाइंट करना है यहाँ पे इस तरह से। एक फंदा हमने इस तरह से ले लिया, अब दूसरा फंदा हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। देखिए, अंदर की तरफ से हम सिलाई को लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे दूसरा फंदा बना लेंगे जैसे हम उल्टा बुनते हैं। फिर तीसरा, यहाँ से हर एक चेन में एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे इस तरह से। ऐसे फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ को सिलाई को लाना है और हमने फंदे को ऐसे बना लेना है इस तरह से। देखिए, ये जो लाइन है हमारी बाहर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ हमारा बिल्कुल प्लेन चलेगा। इस तरह से हमने बनाना है। सारे फंदों को लास्ट तक हमने उठा लेना है इसी तरीके से बनाते हुए। ऐसे क्योंकि हमने कॉलर नेक बनाना है तो इस तरीके से हमने फंदों को उठाना है ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक मैं फंदे उठा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कितने फंदे हमारे यहाँ से यहाँ तक आए हैं। देखिए, हमारे पास जो है 28 फंदे ये उठे हैं, और बटन पट्टी के प्लस जो है फंदे 10 फंदे बटन पट्टी के हैं, तो हमारे पास 38 फंदे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ से जो है इसे बनाएंगे, पीछे वाले हिस्से को बनाएंगे। पीछे वाले फंदे जो हैं वो हमने देखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26 और 27 फंदे हैं। इन्हें भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। अगर आपको लगे कि हमारे फंदे बैक साइड के ज्यादा हैं तो बीच बीच में आप 2 का 1 कर लेना। कम से कम हमारे पास 25 फंदे पीछे वाले होने चाहिए। मेरे पास 27 हैं तो 2 मैं ऐसे ही रहने दूंगी। 1-2 फंदे इधर उधर हो जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। देखिए, ये हो गया हमारा। अब हम यहां से फिर से फंदों को उठाना स्टार्ट करेंगे बैक साइड से इस तरह से। देखिए, फ्रंट साइड है, सॉरी, फ्रंट साइड से हमने फिर से फंदों को उठाना स्टार्ट करना है ऐसे, और 28 फंदे हम फिर से उसी तरीके से उठाएंगे इस तरह से। देखिए, एक एक चेन में से एक एक फंदा हम उठाते हुए जाएंगे। देखिए, यहां से भी 28 फंदे हमने उठा लिए हैं, तो इन बटन पट्टी के फंदों को हम इस तरह से इसमें लेंगे।
इस तरह से हमने इन्हें बुनते हुए लेना है। एक सिलाई हम वैसे ही डाल लेंगे जैसे हमने बटन पट्टी को बनाया है, इस तरह से। अब देखिए, अब हमने एक उल्टा और एक सीधे का कॉलर बनाना है, इस तरह से। जो सीधा है वो हम ऐसे बनाएंगे बैक साइड से, और जो उल्टा है वो नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, इस तरह से। जो सीधा है वो ऐसे बनाएंगे, जो उल्टा है वो नॉर्मल बनाएंगे। जो सीधा है वो बैक लूप से हम बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे सीधा, इस तरह से। देखिए, यहाँ से सीधा और ये उल्टा, यहाँ से सीधा और ये उल्टा। तो इस तरीके से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है लास्ट तक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, वैसे तो नॉर्मली हम जब कॉलर बनाते हैं तो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में, चाहे बटन पट्टी के फंदों को छोड़ करके, यहाँ से आप एक एक फंदा बढ़ा लीजिए। हर एक सिलाई में या हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते जाइए, जितनी आपको जो है कॉलर की नोक को तीखा करना है उतने आप जो है हर एक सिलाई में बढ़ाएंगे, तो ज़्यादा फंदे हो जाएंगे कॉलर के। तो अगर आपने नहीं बढ़ाना है तो मैं ये जो कॉलर बना रही हूँ, मैं इसमें कोई भी फंदा बढ़ा नहीं रही हूँ। तो जितने भी मेरे पास फंदे हैं मैं उन्हें लेकर के कॉलर को बनाऊंगी। आपको गिन करके दिखा देती हूँ कितने फंदे हैं हमारे पास, विद हमारे दोनों साइड के बटन पट्टी के फंदों को लेकर के। विद बटन पट्टी के फंदे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 50. 103 फंदे हैं मेरे पास। तो 103 फंदे, 103 फंदों को मैं लेकर के, इन्हीं फंदों को लेकर के कॉलर को कंटिन्यू करूंगी। कोई भी फंदा इसमें बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी नहीं। तो इसे जो है इस तरीके से मैंने बनाना है। देखिए, एक फंदा सीधा और एक उल्टे का हम बॉर्डर बनाएंगे, इस तरह से करते हुए, जब तक कि हमारे कॉलर की लेंथ जो है, चौड़ाई जो है पूरी नहीं हो जाती, तब तक हमने इन्हीं फंदों को दोहराते हुए जाना है। एक फंदा सीधा और एक उल्टे का, मतलब कि जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। ये बॉर्डर जो है बैक साइड से लूप को लेना है, सीधा जो फंदा है, इस तरह से जो सीधा फंदा है बैक लूप से हम उसे लेंगे और सीधा बुन देंगे। बस उल्टा जो है सीधा नॉर्मल उल्टा बुनेंगे, जो सीधा फंदा है वो ही हम बैक लूप से लेते हुए बुनेंगे। तो इस तरीके से हमने कॉलर की जो चौड़ाई है वो कंप्लीट कर लेनी है। मैं कॉलर की चौड़ाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको बताऊंगी कि कैसे हमने जो है कितनी चौड़ाई इसकी बनाई है। देखिए, अगर आप कॉलर को, ये बटन पट्टी को छोड़ करके यहाँ से कॉलर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं, बटन पट्टी को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने बटन पट्टी को साथ में लेकर के कॉलर को बनाया है। इस तरीके से हमने ये कॉलर को बना लेना है। इसकी लंबाई चौड़ाई जो है मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ, आगे मिलती हूँ आपसे, कितना हमने चौड़ा बनाया है, कितना लंबा बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे कॉलर की जो लंबाई है 4 इंच के करीब मैंने बनाई है। देखिए, आप देख सकते हैं, इसको मैंने सीधा सीधा बनाया है, कोई भी फंदा मैंने बढ़ाया नहीं है। छोटे बच्चे का स्वेटर है, छोटे बच्चे की कार्डिगन है 2 साल के लिए। देखिए, यहां से लेके यहां तक मैंने 4 इंच तक इसको बनाया है। अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा घटा भी सकती हैं, जो आपकी चॉइस है। तो अब हम इसको बंद करेंगे, इन सभी फंदों को हमने यहां से बंद करना है। देखिए, ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसको बंद करेंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा उतारेंगे
दूसरा हम सीधा बनाएंगे, पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे ऐसे। फिर अगला बनाएंगे, पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर अगला बनाएंगे, पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर अगला बनाएंगे और पीछे वाला फंदा इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही करते हुए हमने सारे फंदों को वाइंड ऑफ कर देना है और हमारा कॉलर जो है बन करके रेडी हो जाएगा। आगे वाला बुनेंगे, पीछे वाले को बुने हुए के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ना ही ज़्यादा टाइट रखना है हाथ को, ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, इस तरह से। इस तरह से हमने जो है इसको सारे फंदे इसके जो है वाइंड ऑफ कर देने हैं, तो हमारा कॉलर जो है बन करके रेडी हो जाएगा। देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे इस फंदे को ऐसे बंद करके इस धागे को यहाँ से कट कर देना है। इस तरह से निकालिए भूल को बीच में से और यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये हमारा कॉलर जो है बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो कॉलर है वो हमारा बन करके रेडी हो गया है। इस तरह से आप जो है आपने इस कॉलर को फोल्ड करना है। चाहे तो आप यहाँ पे मैंने बटन होल बनाया है लास्ट में, इसे यहाँ पे बटन लगा सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है इस कॉलर नेक को बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखते रहिए स्मार्ट नीटिंग चैनल और JK नीटिंग चैनल में अच्छी अच्छी वीडियोज़। और अपने अपने घरों में रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।